नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति जो है वो बनने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी जीत के मार्जिन से अपने जो उस फतेह को है वो लगातार बरकरार रखा था कल, और अब उनकी जीत को लेकर के जो आधिकारिक बयान था वो भी आ गया है। लेकिन अब जगदीप धनखड़ को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बड़ा बयान आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ के इस जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अगले उपराष्ट्रपति के तौर पर अब जगदीप धनखड़ जो है अपनी कुर्सी संभालने जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के लिए, इस देश की जनता के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की उस आदिवासी महिला वाले चरित्र को एक तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं उनके आदिवासी होने की ही वजह से तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधती है। साथ ही ये भी कहा जाता है उनके द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज का हित चाहने वाली पार्टी एकमात्र पार्टी है भारत की राजनीति में, और बाकी जो तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को लेकर के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन उस समाज के लिए कोई बड़ा पद उनके द्वारा नहीं दिया जाता है। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश करती है। लेकिन हम लौटते हैं जगदीप धनखड़ के उस दिए गए उस बयान पर जो द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। द्रौपदी मुर्मू हालांकि अपने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद ही ये संकेत दे दिए थे कि देश में अब जितने भी बड़े पद है उन पर अब जो छोटे समाज के लोग हैं या पिछड़े समाज के लोग हैं उनके बैठने का जो समय है वो आ गया है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समाज से आती है, उनको इतना बड़ा मौका अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए गठबंधन के द्वारा दिया गया है तो उन्होंने इस बात को लेकर के भी उनका जो है धन्यवाद अदा किया था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने साथ ही ये भी कहा था कि देश में महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर के वो कोई बड़ा फैसला लेंगी, और साथ ही आदिवासी समाज की हितों के लिए भी वो बड़े कदम जरूर उठाएगी। लेकिन अब जगदीप धनखड़ की जीत के बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी जो कि राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में उतारे गए थे उनकी चांदी हो गई, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसमें मात खाता हुआ दिख रहा है। विपक्ष की बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो अंदर खाने एक तरीके से टूट चुकी है, और उनको एक साथ लाने के लिए उनके पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी के नेतृत्व को पसंद नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से लीडरशिप को पसंद नहीं करती है, और अब तो कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नजर भी नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी के हालात अभी जिस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं ईडी की उस कार्रवाई के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब इन तमाम मामलों से खुद को फिलहाल दूर ही रखेगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई में पूरी पार्टी उलझती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू मिल करके देश के हित में कैसे फैसले लेते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।